मेरा गूगल अकाउंट हैक हो गया, मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया, मेरा जीमेल अकाउंट हैक हो गया। तो इन सभी समस्याओं का एक ही उपाय माई टेक सपोर्ट चैनल ने खोज निकाला है। तो उससे पहले सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को और यहाँ से बेल आइकन को ऑन कर दें। अब आप सभी नए वीडियोज को देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल अकाउंट को एक्सेस करने के लिए जीमेल आईडी का होना बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने के लिए जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है। लेकिन कुछ हैकर्स होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके पासवर्ड जान लेते हैं, आपका यूट्यूब का, आपका जीमेल अकाउंट का पासवर्ड जान लेते हैं और वो आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा तरकीब बता रहा हूँ, जो आप एक बार वो चीज़ कर लोगे ना तो आपका कोई भी पासवर्ड भी जान लेगा तो वो आपके अकाउंट को हैक नहीं कर सकता है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप क्रोम ब्राउज़र को ही ओपन करें, या अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो आप उसमें भी क्रोम ब्राउज़र को ही ओपन करें। मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। उसके बाद ऊपर में आप गूगल अकाउंट लिखिए, गूगल अकाउंट लिख के सर्च कीजिए, जैसे कि मैं गूगल अकाउंट लिख रहा हूँ और उसे सर्च कर रहा हूँ। उसके बाद आप नीचे जाइए, यहाँ पर आप देखिए माय अकाउंट गूगल लिखे हुए, उस पर क्लिक कीजिए। देखिए ये आपका खुल चुका है। और फिर स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ देखिए साइन इन या क्रिएट योर गूगल अकाउंट है, तो मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे आप ईमेल आईडी अपना डालिए, जो आपका मेन ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप अपना यहाँ पे पासवर्ड इंटर करें, आप अपना मेन पासवर्ड को इंटर करें और फिर नेक्स्ट को क्लिक कीजिए। अब सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर में थ्री डॉट 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 है, आप देखिए एरो का निशान, उस डॉट डॉट पे क्लिक कीजिए और रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट जो दिख रहा है उस पर डेस्कटॉप साइज, मतलब कि कंप्यूटर पे जिस तरीके से ओपन होता है उसी तरीके से ओपन होगा, इसलिए उसे ऑन कर दें। अब देखिए ये आपके डेस्कटॉप पे जिस तरीके से खुलता है वो खुल चुका है। उसके बाद मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि साइन इन एंड सिक्योरिटी है। आप नीचे देखिए साइनिंग इन टू गूगल, साइन इन इनटू गूगल पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ देखिए सेकेंड, मतलब टू स्टेप वेरिफिकेशन है, ऑफ दिख रहा है, उसे उस पर मैं क्लिक करूँगा। जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए गेट स्टार्टेड दिख रहा है, उस पर आप फिर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर फिर से आपका पासवर्ड मांगा जा रहा है, आपका जो ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है वो आप फिर से यहाँ पे री इंटर कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपका जो मेन मोबाइल नंबर है, आप जो अपना मेन मोबाइल नंबर रखना चाहते हैं जिस पे आपको मैसेज बार बार आए, आपका जो गूगल जब भी आप ओपन कीजिएगा आपको उस पे ओटीपी कोड आएगा तभी आपका गूगल अकाउंट खुलेगा, वो अपना मेन मोबाइल नंबर डालिए। और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट मैसेज है या फ़ोन कॉल, तो मैं टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक करता हूँ। आप भी टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक करके नेक्स्ट दबाइए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको इंटर द कोड, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड इंटर करना है।
आपके मोबाइल पे अभी OTP कोड आया होगा, वो अपना OTP कोड यहाँ पे इंटर करना है। देखिए मैं अपना OTP यहाँ पे इंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए टर्न ऑन है, उस पर आपको क्लिक करना है। टर्न ऑन पे क्लिक करिए। अब देखिए ये आपका नेक्स्ट पेज, जो नया पेज खुला, यहाँ पे देखिए वॉइस या टेक्स्ट मैसेज डिफ़ॉल्ट में बता रहा है मेरा नंबर और वेरीफाइड बता रहा है, यानी कि अब मेरा नंबर ये वेरीफाइड हो चुका है। इससे फ़ायदा आपको ये हुआ कि अगर आपका कोई भी इंसान आपका पासवर्ड और मेल आईडी जान जाता है तो भी वो नहीं खोल सकता है। जब भी वो आपका पासवर्ड के साथ मेल आईडी इंटर करेगा तो उसे OTP कोड मांगेगा, क्योंकि उसके पास तो OTP कोड नहीं होगा तो आपका अकाउंट को खोल नहीं सकता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के रूप में दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाला और इस पर नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए OTP कोड मांग रहा है, तो वो इंसान अगर आपका पासवर्ड भी जान रहा है लेकिन OTP कोड तो उसके पास नहीं है तो वो आपका अकाउंट को नहीं हैक कर सकता है, वो आपका अकाउंट को नहीं खोल सकता है। तो इस तरह से आप अपने अकाउंट को और भी सिक्योर रख सकते हैं।